हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं एग्री टॉक सीरीज का ये एपिसोड। और इस एपिसोड में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो किसानों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, सोइल हेल्थ कार्ड की हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। और सोइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और क्यों गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की, क्यों इसमें क्या क्या चीज़ें की जांच होती है, सारी चीज़ें इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम जानेंगे। आप बने रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, सो दैट कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे मिला देते हैं। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजेंद्र बेरवा जी। राजेंद्र बेरवा जी नमस्कार। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजेंद्र बेरवा जी जो है अभी PhD कंप्लीट किए हैं, और अभी PhD किए हैं तो इनके पास नॉलेज है, और मैं उसी नॉलेज को आपके और किसानों भाइयों के लिए लेके आया हूँ। और एक चर्चा का प्लेटफॉर्म हम इसी बहाने जो है लेके आए हैं आज। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं कि सोइल हेल्थ कार्ड या हम कहें मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है। तो राजेंद्र, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो शुरुआत की, इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या मंशाएं रही होगी, गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य रहे होंगे, गवर्नमेंट ने क्यों चलाया, उसके बाद हम ये भी जानेंगे आपसे कि बेसिकली मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है। हेल्थ कार्ड तो हमने सुना है, लेकिन अब जो है मृदा का भी हेल्थ कार्ड होने लग गया है, तो ये क्या है, थोड़ा सा इसको जो है हमारे दर्शकों को आप समझाइए। जी, मैं किसान भाई हूँ और हमारे जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए ये सीखने का और नया चीज करने का एक रास्ता है जी, जिसे छात्रों के लिए और फार्मर्स के लिए एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी मृदा को कैसे स्वस्थ बनाए रखें। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने इसको लागू किया कि हर किसान का जो खेती है उसका स्वास्थ्य का कार्ड होना चाहिए, मृदा का स्वास्थ्य कार्ड, कि उस मृदा का स्वास्थ्य कैसा है उसका भी एक कार्ड बनाना चाहिए। जी, जैसे हम बोलते हैं कि अपना स्वास्थ्य कैसा है, हमारा स्वास्थ्य है तो हम काम करेंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं है हम काम नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही अपनी मृदा धीरे धीरे क्या है कि हम इनऑर्गेनिक बोले तो हम बहुत सारे रासायनिक पदार्थ यूज करते करते आ रहे हैं, तो ये जो 50-60 साल का जो पीरियड है इस बीच में हुआ क्या कि अपना जो मिट्टी है वो धीरे धीरे क्या है दूषित हो गया। तो उस दूषित होने की वजह से क्या है कि मिट्टी में जो अपनी फसल वो सही से हो नहीं पा रही, उसकी उत्पादकता कम। जी, जैसे उत्पादकता में फर्क पड़ा है, और दूसरा कि हम बहुत सारी फसल को जैसे उसका टाइम ऑफ पीरियड में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो इसको लेके गवर्नमेंट ने क्या है इसका शुरुआत किया। और ये उद्देश्य रहा कि अगर किसान का मिट्टी सही रहेगा तो फसल अच्छा होगा, और फसल अच्छा होगा तो उसकी आमदनी अच्छी होगी, और आमदनी अच्छी होगी तो खुशहाल होगा किसान। बात है कि अपना किसान खुशहाल रहेगा, देश खुशहाल रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जी, तो ये सब सारे उद्देश्य को देखते हुए भारत सरकार ने इसकी पहल की। सर, ये कब स्टार्ट हुआ था कुछ इसका? ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 में राजस्थान गंगानगर से स्टार्ट किया गया था जी, और उससे अभी तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ भी मिला है जी। और उसके बाद किसानों ने इसका बहुत सारे तरीकों से फायदा उठाया, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया तो उनको पता चला कि उस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और उसी पोषक तत्व को दिया जाए, तो उस पोषक तत्व की कमी को पूर्ति करने के बाद उन्हें पता चला कि हम इसमें और कौन सा फसल ले सकते हैं जी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जी। तो यहाँ पे आपको ये जानने को मिला कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में की, जो गंगानगर से की। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे विद्यार्थियों को कई बार इसका रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते रहिए इस चीज़ को
कब स्टार्ट हुआ था ये और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का वो ये रहा है इसके पीछे कि जो मृदा का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है समय के साथ, चाहे वो हमारे जो रासायनिक खादों का उपयोग करने से हो रहा हो या किसी और चीज से जो दूषित हो रही है मृदा, उसकी उर्वरता प्रभावित हो रही है, उसकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है, और उस सबकी वजह से किसान का जीवन जो है प्रभावित हो रहा है। तो इन सबको एक सही बैलेंस बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की, और उसके आधार पर उन्होंने बोला कि भाई आप जो है जितनी जरूरत है उतना ही खाद या जो उर्वरक है वो दीजिए, फर्टिलाइजर। सामान्यतः होता क्या है कि किसान जो है यूरिया डीएपी और आपका पोटाश जो है वो अपने हिसाब से देता रहता है खेतों में, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी आपकी मृदा को कितना भूख है और किस चीज़ का भूख है। जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ का भूख है, वही चीज़ आप उसमें दे सकते हैं या देना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा हमको, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं होगा, ऐसा कोई कार्ड नहीं होगा जिसमें लिखा हो कि हाँ भाई आप में जो नाइट्रोजन नत्रजन इसको बोलते हैं वो काफ़ी है, उसको देने की वो ज़्यादा नहीं है, उसको इतना मात्रा में देना है। तो इन सारी चीज़ों की हम जानकारी वीडियो में आगे भी लेंगे। तो अगला सवाल मेरा वही है सर कि अगर आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड को एक छोटे में रूप में अगर समझाना चाहें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है सर? मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखा जाए तो एक जैसे आदमी जी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है अपनी जांच करता है जी, खून जांच करेगा अपना और भी बहुत सारे यूरिन वगैरह जांच करता है, उसके बाद अपना रिपोर्ट देगा जी कि आपका आपको यूरिन में दिक्कत है या फिर आपका ब्लड में दिक्कत है या फिर आपका ब्लड ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप। तो इसे ही हम क्या करते हैं, इसकी प्रक्रिया का ऑप्शन नहीं है, और हम किसान भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि इसका प्रक्रिया है उस पर थोड़ा ध्यान दें। इसका प्रक्रिया यही है कि हम क्या करते हैं कि अपना जो खेत है वहाँ से मिट्टी लेंगे, जैसे अपना खेत है एक बीघा है, तो एक बीघा में क्या करेंगे हम चारों कोनों से और बीच में दो तीन जगह से सोइल का सैंपल लेंगे। अब उसको क्या करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, उसको इकट्ठा करके और ऐसे फैला कर चार भागों में बांट, चार भागों में बांट लेंगे और दो भाग को उसको हटा देंगे और दो भाग को ले लेंगे, फिर चार भाग करेंगे, ऐसे करते करते उसको लगभग आधा के जी मतलब 500 ग्राम रहना चाहिए, 500 ग्राम रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, उसको एक पॉलिथीन बैग में डालिए, उस पर उस किसान का नाम लिख दीजिए, उस खेत का किस नाम से आप डिनोट करना चाहते हैं, किस एड्रेस का वो है, आपके गांव का नाम तहसील जो भी है वो। उसके बाद क्या करना है, उसको अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है और अपना कृषि विश्वविद्यालय होता है तो वहाँ पे जो या कृषि विभाग में भी आप दे सकते हैं, हाँ कृषि विभाग में भी आप दे सकते हैं, तो इन सारी जगहों पे हम उसको दे सकते हैं और वहाँ की जो प्रक्रिया है वो अपने करेंगे। जैसे कि उसमें क्या करेंगे, वो जैसे उसका बहुत सारा है जिसको वो जांच करेंगे, जैसे मृदा में सोइल ऑर्गेनिक कार्बन होता है, उसका पीएच कैसा है, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा है जिसे ईसी बोलते हैं, फास्फोरस कैसा है, उसका कैल्शियम, उसका मैग्नीशियम, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी है वो कैसे हैं। तो इन सब की जांच होने के बाद हमको जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा उसमें वहाँ जो कृषि विश्वविद्यालय है या फिर जो केवी के है कृषि विज्ञान केंद्र है वो हमको लिख के देंगे कि आपकी मिट्टी में इस किस पोषक तत्व की कमी है या फिर इस पोषक तत्व को इतनी इतनी मात्रा में देना है, देना है, और उसी के हिसाब से ही उसके पीएच और ईसी और उसके पोषक तत्वों के हिसाब से ही वो किसान को मतलब सिफारिश करेंगे कि आप ये फसल इसमें ले सकते हैं, जो कि किसान को सामान्यतः ये होता है कि किसान को यही पता होता है कि हमारे खेत में खाली गेहूं ही होता है, हमारे खेत में खाली राइस हो सकता है, जो बहुत सारी चीजें, तो उससे किसान को एक नया चीज मिलेगा कि किसान और भी चीज उगा सकता है जो कि उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो किसान को फायदा दे सकती हैं जी। तो यहाँ पे जो है राजेंद्र ने बताया है कि जब आप सोइल टेस्टिंग करवाते हैं, सोइल का जांच करवाते हैं, तो दो प्रमुख फायदे अपन को यहाँ पे मिलता है। क्या होता है, एक तो सोइल में क्या कमी है, कौन सा न्यूट्रिएंट कमी है, कौन सा पोषक तत्व की कमी है, उसका हमको पता चल जाता है कि भाई इसमें नत्रजन कमी है या इसमें कैल्शियम कमी है या इसमें और कोई कमी है, वो पता चल जाता है। दूसरा,
उसके साथ हमको सिफारिश भी देते हैं वो लोग कि आप इसमें ये चीज दीजिए, प्लस फसल की जो सिफारिश है वो भी वो करते हैं कि आप इसमें चने की फसल लीजिए, इसमें गेहूं लीजिए, इसमें मक्का लीजिए, इसमें कोई और फसल आप ले सकते हैं। तो उसकी सूटेबिलिटी के आधार पे, उसकी उपयुक्तता के आधार पे वो आपको सजेशन देते हैं। तो ये चीज़ का कहीं ना कहीं किसानों को बहुत फायदा हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो राजीव, दूसरा हमारा इसमें जो हमारा सवाल इम्पोर्टेंट निकल के आता है कि जब हम ये एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं, पहले तो ये बनता कहाँ पर है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहाँ बनता है, दूसरा इसके क्या क्या फायदे होते हैं किसानों को, तो उस पर एक बार आप कुछ चर्चा करिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान भाई ये चीज जान लें कि हर एक राज्य में लगभग 2-3-4-5 जितना भी है कृषि विश्वविद्यालय, उसका यही काम होता है कि किसानों को नई नई जो कृषि की जो तकनीकी है उससे कैसे अवेयरनेस करवाना है, उसका यही काम, उसको किसानों तक पहुंचाना होता है। जी। तो ये भी एक योजना है जी। सरकार की जी। जो किसानों के लिए है। तो वो क्या करते हैं कि वहां से किसानों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको बनवाना है, क्यों बनवाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, वो समझाएं किसानों को कि आप यहाँ पे जैसे आप सरसों ले रहे हैं, सरसों में आपको बहुत सारा डीजी जा रहा है, बहुत सारा रोग आ रहा है, तो फसल खराब हो जाएगी हर साल। तो किसान को वो लोग रिकमेंड करेंगे सोयल की जांच करके कि आपका मिट्टी में ये कमी है, इसकी वजह से ये रोग आ रहा है, जो आने वाले रोग है उसको कम किया जा सकता है। तो ये ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो किसान को जो वैज्ञानिक है और कृषि छात्र है वो जाके बता सकते हैं, जिससे किसान को बहुत सारे फायदे होते हैं। तो यहाँ पे दो चीज एक निकल सामने आ रही है, अगर आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना हो तो आप जो कृषि विभाग है वहाँ से जाके संपर्क कर सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई कृषि विश्वविद्यालय हो तो वहाँ पे भी आप जाके इस बारे में संपर्क कर सकते हैं, वो जानकारी ले सकते हैं कि कैसे बनता है और किस तरह से जो है सारी चीज़ें प्रोसेस में आती है, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। और तो इसमें राजेंद्र, हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोषक तत्वों की जानकारी मतलब जांच होती है इसमें, तो क्या कोई ऐसा मुख्य पोषक तत्व है जिनकी मेन रूप से जानकारी लेना किसानों के लिए अति आवश्यक है? जैसे बहुत सारे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तो चलो कोई बात नहीं, उसकी जानकारी उनकी जाँच नहीं हो, टेस्ट नहीं हो, तो लेकिन क्या ऐसे कुछ पोषक तत्व हैं जो जिनकी जाँच तो अवश्य करनी चाहिए किसानों को बिफोर सोइंग? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि चाहे मुख्य पोषक तत्व चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व जी, जरूरी तो सारी है जी, आवश्यकता तो सबकी है, सबकी है जी। ठीक है, पर मुख्यतः किसान क्या करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम लेता है, जो कि किसान ये समझता है कि उसको उसकी फसल को सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए और पोटास चाहिए, जबकि ऐसा नहीं, मिट्टी में और भी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, उसकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, जो कि उसको हर 2-3 साल के बाद जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, केंचुए की खाद है, ऐसी देने से भी उस पोषक तत्वों की पूरा किया जा सकता है। और दूसरी चीज, सवाल ये था आपका कि कौन से मुख्य हैं जिनकी बात हम मतलब किसान को बता सकते हैं। जैसे हम किसान अपने इंडिया में, भारत में होता क्या है कि किसानों को ये नहीं पता है कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा दें जी, कब दें, और दूसरा चीज ये कि किसान ज्यादातर यही सोचता है कि उसको बस एक बैग लाना है, मतलब एक बोरा खाद का लाना है और एक बीघा में उपज, ऐसा नहीं होता। पहले ये जानना है कि अपना एरिया कितना है, अपना फसल कौन सा है, उसको कितना जरूरत पड़ेगा, और इन सब चीजों को जानने के लिए उनको एक जो उसका जो वैज्ञानिक संस्था है वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके लिए उसको मिट्टी को जांच करवाना पड़ेगा, उससे वहाँ पे उससे उसको ये सिफारिश मिलेगी कि आपको जो नाइट्रोजन है वो इस फसल में इतना केज देना है और इस समय पे देना है, ताकि उससे क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन वो एक बोरा दे रहा है, वो एक बोरा हो सकता है कि वो
उसको आधा मोरा की जरूरत पड़ रहा जरूरत है तो उसका किसान की लागत में भी कमी है, लागत में ये बहुत सारी चीजें हैं जो किसान को कम कर सकता है। और जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस हम क्या करते हैं जनरली जैसे बुआई के टाइम दे दिए, और कुछ कुछ किसान क्या होता है उनको नहीं पता होता, जैसे नहीं मेरा फसल अच्छा रहना चाहिए तो वो बीच में फिर दे देता है, क्योंकि ऐसा जरूरत नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे पोटास, पोटास किसान ज्यादातर क्या है भारत में उपयोग में नहीं लाता है, तो उससे क्या होता है कि फसल में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसकी ग्रोथ में, मतलब उसके विकास में इसमें बहुत सारी कमियां, तो किसान को ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व किस किस फर्टिलाइजर से मिलता है जी। जैसे यूरिया तो उसने दे दिया, अब उसको जैसे पोटास की भी जरूरत है, अब किसान ज्यादा कैसा होता है यूरिया फेंकने से उसको बहुत सारा उत्पादन मिल जाएगा, बहुत सारा मुनाफा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फसल को तो जैसे अपनी बॉडी को क्या होता है, अपनी बॉडी को पानी का भी जरूरत है, हमको खाना भी खाना है, हमको क्या बोलते हैं और भी चीज सब्जी भी खाना लेना है, तो वैसे ही फसल होता है, फसल को भी सारे पोषक तत्व की जरूरत है। पोटास भी ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जैसे कि वो अपने फसल को एक डिजीज वगैरह से सबसे बचाता है जी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो किसान को अपनी फसल में देना चाहिए जी। तो जैसे हमारा स्वास्थ्य है वैसे मृदा का स्वास्थ्य है, वैसे पौधों का स्वास्थ्य है, हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमको मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और जो रासायनिक खाद है उनका ज़्यादा उपयोग न करके उनका वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी जाती है उसी के हिसाब से उसका उपयोग करना है, ताकि हमारा खर्चा भी बचे और हमको पोषक तत्व भी भरपूर मिल सके। तो ये था हमारा किसान भाइयों के लिए एक जानकारी थी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि राजेंद्र यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इस ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उनके कोर्स में भी ये पढ़ाया जाता है, तो स्टूडेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इससे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन उनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर भी थोड़ा आप बताइए बच्चों। मैं स्टूडेंट से एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप पहले तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की प्रक्रियाएं क्या है, कैसे सोइल का सैंपलिंग करना है, कहाँ कहाँ से सैंपलिंग करना है, सैंपलिंग की क्या क्या प्रकार हैं, ये सब देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि स्टूडेंट को ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि मिट्टी की हम सैंपलिंग कर लिए, कितना मिट्टी वहां से लेना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको डालना है, ठीक है। दूसरा चीज कहाँ कहाँ हम जांच करवा सकते हैं ये चीज को। अब दूसरी चीज ये कि जब मिट्टी जांच होने के लिए जाएगा तो वहां पे कितना ऐसा मेजरमेंट है जो कि वहां पे जांच होता है, जैसे कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, पीएच हो गया, ईसी हो गया, और नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे करके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ऐसे करके टोटल कितने जो है पैरामीटर्स हैं हो सकते जो कि जांच होते हैं जी, जो कि मुख्यतः इसमें शामिल किए गए शामिल किए, तो ये सब चीजें हैं जी। इसके अलावा जो है आप डियर स्टूडेंट ये भी जान सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का हिस्ट्री क्या रहा, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे कि हमने पिछली उसमें बात किया। और इसके अलावा आपको ये भी देख लेना है कि इससे रिलेटेड और किस तरह के सवाल बनते हैं, किस तरह की टर्मिनोलॉजीज बनती है, जैसे इसी क्या होता है, ठीक है, उसका जो और भी दो तीन टर्म बताए थे राजेंद्र, वो सब क्या होता है, ये आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारे दर्शकों को हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा ऐसी उम्मीद करते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को ये एपिसोड जो है कुछ सिखा पाया होगा ऐसा हमारा मानना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसी तरह के और आपके लिए एडुकेशन के लिए आपको एडुकेट करने के लिए इस तरह के और वीडियोज हम लाते रहेंगे, जो आपके कोर्स से संबंधित होंगे, जो आपके करियर से रिलेटेड होंगे, और बाकी जो है आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके रिकमेंडेशन, इवन आप भी चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पे एक्सपर्ट के साथ हम चर्चा करें और आपको मार्गदर्शन दे सकें। ऐसी कामनाओं के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। आप देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस, नमस्कार।